वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो करीब शाम के 5:50 हो रहे हैं और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कदमा मेला। तो गाइस आज वेदर काफ़ी अच्छा है और शाम हो गई है, तो हालांकि फैमिली मेरे साथ ही जा रही है, तो चलते हैं गाइस कदमा मेला, इन्जॉय करते हैं। फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ मैं कदमा मेला घूमने के लिए, हालांकि वाइफ तो नहीं है पर अकेले जा रहा हूँ। हालांकि वो ब्लॉग देख के बहुत गुस्सा करेगी कि मुझे नहीं लेके गए, तो चलते हैं गाइस। तो गाइस गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, जहाँ मेरे दो दोस्त मिले हैं, नीरज जो है, हेमंत है, ये मेरे दो तीन साल पुराने दोस्त हैं जो मेरे साथ में वर्क करते हैं। तो गाइस ये तो घूम के निकल रहे हैं, मैं अभी इन कर रहा हूँ और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्राउड बहुत ही ज़्यादा है गाइस, और काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के क्राउड। कब चलते हैं गाइस अंदर, बिजी झूला झूलेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बोलो हेमंत, हम लोग तो घूम चुके हैं वैसे भी, हम लोग घूम लीजिए, मज़ा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है, इंजॉय हो रहा है, आप भी इंजॉय करिए। बस भाई हम भी जा ही रहे हैं इंजॉय करने के लिए, तो चलते हैं गाइस। मम्मी ऑलरेडी आगे जा चुकी है, अब चलते हैं फटाफट से अंदर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और बहुत मुश्किल के बाद हमें रेलिंग के अंदर आने का मौका मिला है ताकि इस झूले में बैठ सकें। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, कलेजा बाहर आई है कलेजा, तो बहुत मज़ा आया गाइस, काफ़ी इंजॉय किए। एक वीडियो के लिए हम लोग कितनी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो गाइस गणेश पूजा कदमा मेला में हमारा दोस्त मिला है जो सावन का, मेरा और एक लाख भाई का फ़ैन है, तो मिलकर काफ़ी अच्छा लगा भाई, और इस भाई को भी सपोर्ट कर, इसका भी चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है सैयद अहमद ब्लॉग, तो भाई इसको भी सपोर्ट करो, आगे तक पहुंचाओ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कदमा मेला इतनी ज़्यादा भीड़ है और इतना ज़्यादा क्राउड है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, नेक्स्ट लेवल भीड़ है गाइस, और आज ऊपर से संडे भी है,
तो आज गए हैं अंदर, दर्शन तो नहीं कर पाए गणपति जी के, पर भीड़ देख के गाइस मन तो कर रहा था कि अभी निकल जाए। जहाँ नहीं जाना था वहाँ भी भीड़ हमें ले जा रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। आज एक झूला देखे हम जो आप फर्स्ट टाइम देखे हैं, मेरे लिए वो नया है, तो आज हम उस पर बैठने गए थे। डर तो लगा गाइस, इतना ज़्यादा डर लगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरा ऐसे राउंड करके ऊपर में जाके दो चार सेकंड के लिए रोक दे रहा था। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि अभी हम आ जाएंगे नीचे, क्योंकि खाली ये कमर बंधा हुआ था, ऊपर से ये लोहे वाला बेल्ट लगा हुआ था। डर तो काफ़ी लगा गाइस, और मज़ा ही बहुत ज़्यादा आया। अब पसीना देख सकते हो, पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। तो गाइस अब वहाँ से निकल गए हैं, अब चलते हैं पीएम मॉल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएंगे। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं पीएम मॉल, चलते हैं अंदर। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मेरी भगनी से पूछते हैं उसे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सिद्धू, मज़ा आ रहा है, जोर से बोलो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गणेश मुझे घूम के कैसा लगा? बहुत खराब लगा, भीड़ बहुत ज़्यादा था ना। ये मेरी मोटी दी यार, क्या है, मज़ा आया घूम के? बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना। मेरी माँ तो खोई हुई है सपनों की दुनिया में। तो गाइस इसे तो जानते ही है ना, बहुत अच्छा खाना बनाती है, सावन हमेशा कहता है। मज़ा आ रहा है और क्या, मेरा आवाज़ ही निकलेगा। गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कदमा में गणेश पूजा में तो बहुत ज़्यादा गर्मी से हालत खराब थी, और सिटी सेंटर पीएम मॉल में आए हैं, यहाँ पूरा फुल एसी है, अब पसीना सूख रहा है हल्का हल्का और ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। और फैमिली के साथ मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, हालांकि अभी भी कुछ लोगों की कमी है, मेरा भाई नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, और भी जान है जो नहीं है, तो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उनको सबको लेके आएंगे। तो गाइस आप भी एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स और मज़ा लीजिए। गाइस पीएम मॉल में मुझे हमारा सब्सक्राइबर मिला है निखिल भाई, और कैसे हो निखिल भाई? बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया है। और सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। और बताइए, तो बस आपको मेरी बेटी देखती है, पता है मेरी बेटी देखती है, बहुत अच्छा लगता है। गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है, अब यहाँ से निकलते हैं अपने घर की ओर, तो चलते हैं गाइस, और आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ।